देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो जो हमारे यहाँ पे होमोलोगस सीरीज होता है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो इसमें आपको यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखनी पड़ेगी होमोलोगस सीरीज की। तो जो हमारे यहाँ पे होमोलोगस सीरीज होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे सेम होती है, पर जो यहाँ पे पर्टिकुलर सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, CH2 ग्रुप का होता है। क्या होता है यहाँ पे, CH2 ग्रुप का यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। या आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अ पर्टिकुलर सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। और जो भी हमारे यहाँ पे होमोलोगस सीरीज होती है उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। अब मैं यहाँ पे इसके बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे कोई सी भी सीरीज ले सकते हैं, चाहे तो एल्कलीन की ले सकते हैं चाहे तो एल्कोहल की ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्कलीन की ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या है, एल्कलीन की सीरीज है, इसी को हम यहाँ पे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n+2। तो इसका जो यहाँ पे सीरीज होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे एक कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। दो कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 होगा। 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो भी डिफरेंस है इसमें हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। क्या है हमारे यहाँ पे, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो पहले में हमारे यहाँ पे CH4 आ रहा है, तो दूसरे में हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, C2H6 आ रहा है। तीसरे में भी हमारे यहाँ पे C मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। पहले वाले का जो हमारे यहाँ पे नाम होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मिथेन होगा। दूसरे वाले का हमारे यहाँ पे क्या है, इथेन है। तीसरे वाले का हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोपेन है। चौथे वाले का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुटेन हो जाएगा। एंड लास्ट वाले का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, एल्कलीन सीरीज था। इसका जो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पे क्या है, CnH2n+2। मतलब अगर हम यहाँ पे एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2×1+2, तो C1H4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दो कार्बन ले रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, C2H2×2+2, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा कार्बन 2 हो जाएंगे। एंड हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2×2 4 हो जाएंगे प्लस 2, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे आगे की सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा होमोलोगस सीरीज क्या होती है और इसके एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।